सिंह सिंगर और आप दे रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। मैं साथ कैमरामैन लक्की भुंडेकर। अभी खेड़ागढ़ में जिला बनने के वर्षागांठ में आज बहुत जोरदार आयोजन किया जा रहा है। मेला के रूप का एक इंस्टॉलमेंट लगा हुआ है और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है। खेल कूद के साथ पूरे खेड़ागढ़ के वासी जितने भी यहाँ पे खेड़ागढ़ चुके हैं गंडई है सभी लोग आए हुए हैं और हम लोग सबसे एक एक करके यहाँ से बातचीत करेंगे कि किस रूप में जो खेड़ागढ़ जिला बनने का एक साल जो हुआ है वर्षगांठ मना रहे हैं किस रूप में देख रहे हैं। खेड़ागढ़ जिला बनने के बाद क्या खेड़ागढ़ में विकास हुआ, जिला बनने के बाद क्या ऐसा कुछ योजना हुआ जो खेड़ागढ़ में देखने को मिल रहा है, उस चीज़ की हम लोग बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे और यहाँ पे जो स्टार लगे हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। चलो अभी यहाँ जो शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे अभी जो चंद्रयान सफल जो हुआ है उसको एक रूप दिया गया है और उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ पे सर लोग भी आए हुए हैं तो आज का आयोजन जैसे देखा जा रहा है खेड़ागढ़ जिला बने एक साल हो गया है उस रूप में आयोजन किया गया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं उसके लिए किस रूप में किया जा रहा है आज का आयोजन? नहीं, ये आयोजन तो बहुत वृहद रूप से किया जा रहा है जी, और जिले में जितने भी विभाग है सभी विभाग का लगभग यहाँ पर प्रदर्शनी लगा हुआ है। हाँ। वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लगभग आयोजित होना है जी जी। और मैं तो चूँकि शिक्षक हूँ, शिक्षा विभाग से हूँ, तो हमारा मॉडल हमारे माननीय से शिक्षा अधिकारी महोदय जी के समक्ष है जी जी, इस पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल है, खेल के भी आयोजन हो रहा है ओलंपिया। आप थोड़ा आज मोनो दिए हैं चंद्रयान का जो सफल आयोजन हुआ है उसके लिए आप विस्तार से बता सकते हैं कि पर मीडिया के माध्यम से ताकि लोगों को बता सकते जी। अब ये चंद्रयान तो एक्चुअली में अब भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अभी अभी लॉन्च किया है। 23 अगस्त को जो है अपना वहाँ पर चांद में जो है अपना प्रस्थापित भी हो गया जी जी, और अपना काम भी कर रहा है। लेकिन हम बच्चों को एक मॉडल के तौर में जो है अंतरिक्ष के बारे में या उपग्रह छोड़ने के बारे में एक रुचि पैदा करने के लिए एक मॉडल तैयार किए हैं जी जी। और इससे बच्चे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और हमारे आसपास के जो ग्रामीण जो आ रहे हैं वो भी उसको अनुकरण कर रहे हैं जी जी। और एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक क्षमता विकसित करने के लिए खाली सिर्फ एक मॉडल है हमारा। अभी जो जो भी बच्चे लोग आ रहे हैं विद्यार्थी लोग आ रहे हैं ऐसे कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है तो लोग जब जानने की कोशिश कर रहे हैं, चंद्रयान देख रहे हैं और सेल्फी भी ले रहे हैं और उसके जो नमूना है जी जी, जैसे कि हमारे शिक्षा अधिकारी महोदय जी ने बताया उसको बच्चे अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। सर अभी जो आज एक साल होने को जा रहा है खेड़ागढ़ जिला बने, एक साल होने के बाद आपकी शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसा क्या योजना किया गया जो अपने खेड़ागढ़ में लागू? काफ़ी चीज़ें किए हैं जी। सबसे पहले तो प्राइमरी लेवल में नवोदय कोचिंग चालू किए हैं जी जी। नवोदय विद्यालय की तैयारी पिछले साल अच्छा परिणाम मिला है जी जी। 80 कम्बाइंड जो संयुक्त जिले में 80 सीट रहते हैं जी जी। उसमें 29 बच्चे खैरागढ़ से ही सेलेक्ट हुए हैं जी जी। इस साल राष्ट्रीय संसाधन प्रवीण परीक्षा का भी कोचिंग चालू किए हैं। यदि उसका टीचर को ट्रेनिंग दिए हैं जी जी। और बच्चों का भी लगातार हर शनिवार उनको टेस्ट लेकर उनको बताया जा रहा है। यदि उसमें सेलेक्ट होते हैं बच्चे जी जी। तो प्रति माह जो है 1000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है 12वीं तक जी जी। उसी तरीके से नीट और जेई वगैरह का भी कोचिंग चालू कर रहे हैं हाइब्रिड मॉडल से। हाँ। वो भी हो रहा है और पिछले साल भी चलाए थे पिछले मतलब सत्र में जी जी। इसी वर्ष के अंदर तो अपना रिजल्ट 12वीं का 10% बढ़ा है, 10वीं का भी 8-9% कोविड के पहले से के रिजल्ट से बढ़ा है जी जी। और हमारे यहाँ के FLN जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नया जो आया है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी उस कंपटीशन में हमारे जिला स्तर पर राज्य स्तर पर भी हमारा मॉडल सेलेक्ट हुए हैं जी जी। जो भी यहाँ प्रदर्शित हुए हैं मत्स्य विभाग के द्वारा है। तो अब आयुष्मान कार्ड का मैं देख रहा हूँ टोटल कितना आयुष्मान कार्ड अभी खैरागढ़ जिला में बन चुका है? हमारे खैरागढ़ जिले का जो आयुष्मान कार्ड है 75% बन चुके हैं, 3 लाख के आसपास हमारे कार्ड बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। ये उसमें ऐसा है BPL के जो लोग रहते हैं परिवार उनके लिए 5 लाख तक का सहायता राशि रहती है जो वो अपने इलाज में खर्च कर सकते हैं, और APL वालों के लिए उसमें 50,000 की राशि पर ईयर की रहती है। तो सर अभी जैसे आप देखोगे अभी हॉस्पिटल बहुत कमी है खेड़ागढ़ हॉस्पिटल के लिए, तो अभी कुछ मांग अभी अपन रखे नहीं रखे सर कुछ पूर्ति के लिए? बहुत से जैसे हॉस्पिटल में देखा हूँ तो वैसा कमी है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं देखिए, हम लोग स्टाफ की तो जो मांग रहती है वो निरंतर रूप से रहती है। अभी तो ये कि आज जो जिले में हम लोग को मिला है
बड़े सौभाग्य की बात है, खैरागढ़ जिला बना है और उसके हम प्रथम वर्षगांठ मना रहे हैं जी जी। वो हमको उम्मीद है, हमको बहुत कुछ मिल गया। जैसे मैं देख रहा हूँ सियान जर्दन क्लिनिक है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं सर? गांव में कितना योजना हुई है? ये आयुष विभाग के अंतर्गत संचालित हो रही है, आयुष मंत्रालय भारत सरकार और संचालनालय आयुष छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जी जी। ये आयुष के अंतर्गत में आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी जो है जी जी। इसके अंतर्गत ये हमारा आयुष और होम्योपैथी का विभाग यहाँ संचालित है। जिले में टोटल 16 औषधालय हैं ऐसे, जिसमें एक स्पेशलिटी थेरेपी सेंटर है खैरागढ़ में, एक होम्योपैथी औषधालय है और बाकी इसके अलावा हमारे यहाँ जो है 4 जो है हेल्थ इन वेलनेस सेंटर जो हैं, जो एक विशेष योजना है सरकार का, जिसमें पहले बीमारी होने के बाद ही आदमी हेल्थ सेंटर में जाता था, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, लेकिन अब सरकार की योजना है कि हेल्थ के पहले आप क्या करें जिसके अंदर आदमी बीमार ही ना हो, तो उसमें वेलनेस को जोड़ा गया है। अब ये हेल्थ इन वेलनेस सेंटर के अंतर्गत में एलोपैथी में था, वो आयुर्वेद में भी संचालित ऐसे 4 औषधालय हैं, जिसमें धोधा है, अतरिया रोड है, चिरचारी करा है और विचारपुर और सलोनी जी जी। ये 4 है, तो इसके अंतर्गत में योगा का एक योग प्रशिक्षक है जो नियमित जो है उस गाँव में योगा सिखाता है। कुछ औषधि पौधे हैं जिसमें 16 चिन्हांकित औषधियाँ हैं, तो उसके बारे में बताया जाता है, औषधि पौधों की खेती के बारे में, औषधि पौधों को घर घर में उगा के उसके उपयोग की जानकारी और प्रोत्साहित किया जाता है उसमें जो है। इसके अलावा प्रति गुरुवार को जो है प्रति गुरुवार को एक सियान जतन क्लिनिक विशेष योजना संचालित हो रही है। ये छत्तीसगढ़ में ऐसा, भारत में छत्तीसगढ़ पहले एक राज्य है जो सियान जतन क्लिनिक का संचालन कर रहा है, जिसमें काफ़ी उत्साहपूर्वक इसमें रिजल्ट आ रही है जो है। अभी कौन कौन से ऐसे सिस्टम जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे हाथी पाँव है, मलेरिया है, अस्थमा पेशेंट है, ऐसा जो कोई भी जैसे पेशेंट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट आप लोगों को देखे होंगे, कौन सा पेशेंट ऐसा? हाँ, हेल्थ वेलनेस सेंटर के अंतर्गत में 2 ऐसी बीमारियों को चिन्हांकित किया गया, एक बीपी और एक शुगर जो है। अच्छा, हाँ। बीपी और शुगर के मरीजों को खास करके जितनी जनसंख्या है गांव का, उसमें 30+ वालों का, सभी लोगों का बीपी और शुगर चेक करना है। हाँ, हाँ। और जितना उसमें निकल रहे हैं उन लोगों को दवाइयाँ भी देनी है, खास करके 18 वर्ष के जितने भी उस गाँव के लोग होंगे उनका सबका प्रकृति परीक्षण करने की, उनकी तासीर क्या है जो है, उसके हिसाब से उनके जो है आहार विहार और औसत की परिकल्पना की जाती है। जिला बने के वर्षाघाट में हमारे दीदी के द्वारा आज भजिया बनावा थे मंगोड़ी बड़ा, वही हम आज बातचीत कहा तो कब ले बना था मंगोड़ी बड़ा? हाँ, मैं तो सुबह से बना था 11 बजे से। तो क्या क्या डाले होंगे कुछ मंगोड़ी में? हाँ, मंगोड़ी में मैंने मूंग डाले हाँ। और अजवाइन है हाँ, हाँ। सौंफ है जी जी। और हरा मिर्ची हाँ। ये प्याज अच्छा, और मिर्ची भजिया के लिए भी वो रखे हूँ है ना, ये अभी जो बना हूँ ये बेसन के भजिया है। तो बोले जिला बनने के बाद तुम्हें कितना खुशी मिला थे आज देख के? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। बाहर हम जैसे जाते रहे स्टॉल के लिए, अब यही हमारे स्टॉल लगा था ना, तो हमारे भी अच्छा लगा थे। एक साथ साथ अब लोगन हमने पहचान लिया धरलीस, कल तक तो अपन घर में बनाते रहे, आज देखो हम बाहर आके बनाते हैं, तो जिला बनने के बाद वाकई हमें बहुत फायदा हुआ और अच्छा भी लगा था। मैम लोग से भी बातचीत करेंगे, बाल विकास अधिकारी के रूप में यहाँ पे आए हुए हैं और अपना स्टॉल लगा हुआ है, और दीदी लोग से बातचीत करेंगे कि आज का कार्यक्रम किस रूप में देखना चाहते हैं और सरकार के द्वारा क्या योजना लेके आ रही है और किस योजना की कुछ कमी है, उस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर मैं श्रीमती श्याम कुमारी डोंगरे हूँ, महिला बाल विकास सुपरवाइज़र जी जी। और हमारी जो आज यहाँ पे जो स्टॉल लगा है ये महिला बाल विकास के तरफ से जिला खैरागढ़ एक वर्ष होने के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस के रूप में आज हम मना रहे हैं, जिसमें हमारे विभागों के रूप हमारे विभागों के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजन पौष्टिक आहार के संबंध में पूरा रखा गया है प्रदर्शनी में। और दूसरी बात, हम लोग हमारे विभागों में जो चल रही है योजनाएँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें बेटियों को भी शिक्षा में जागरूक आगे लाने के लिए सेल्फी जोन भी बनाया गया है और साथ में ही पौष्टिक आहार के संबंध में अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो सके। पोषण की दर में भी हमने जब से यहाँ जिला बनने से पूर्व 4 सालों में जो है 20% था हाँ। उसमें 13% की हमारी अभी कमी आ गई है जी जी। तो इस प्रकार से कुपोषण दर में लगातार कमी भी होते जा रही है हाँ। और लगातार योजनाओं पे निरंतर काम भी होते जा रहे हैं। और जो लोकल यहाँ पे जो भाई लोग छड़ागढ़ में जो रहते हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि जिला बनने के बाद क्या विकास आप लोग देख रहे हैं और कैसा चेंजेस आया है। तो भैया सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताएं। जी मेरा नाम सौरभ कुमार साहू है जी। तो भी आप जिला बनने के बाद देख रहे हो जितना वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो आप क्या चेंजेस देखे खैरागढ़ जिला बनने के बाद? वैसे तो भैया सच कहूँ मुझे यहाँ 4 साल हो गया जी जी। 4 साल के बाद थोड़ा सा परिवर्तन आया हाँ, हाँ। अब उतना भी नहीं कहा जाए, क्योंकि पहले की अपेक्षा जो था हाँ, सुविधा हाँ, और जो है पुलिस प्रशासन का रोकथाम हाँ, थोड़ा सा यहाँ जिला होने के बाद थोड़ा और
कहा जाए कठिनाई होना चाहिए हाँ हाँ। कि जैसे आज हम देख रहे हैं शराब शराब बिक्री में कहा जाए या पीने वाले उनको भी थोड़ा रोकथाम, और सामने यूनिवर्सिटी है और मेन चौक यहीं पड़ता है हाँ हाँ। और एक पड़ता है उधर दाऊचौरा की ओर हाँ हाँ। तो एक दाऊचौरा के बार कभी कभी तो देखते हैं कि पुलिस प्रशासन रोकते रहते हैं और ज़्यादातर पीने खाने वाले उधर से आते हैं एक बार, क्योंकि इसे मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा घटना हुआ इस कारण से बोलना पड़ रहा है। और आज कहा जाए वर्षगांठ के उपलक्ष्य में थोड़ा कार्यक्रम भी हो रहा है और आज यहाँ देखने को आया थोड़ा ठीक लगा, लेकिन जो अपनी छत्तीसगढ़ की परंपरा जो आज हम पढ़ने आए यूनिवर्सिटी पे तो वहाँ तक जैसे कि हम बात करें नृत्य की और या फिर गायन शैली की जी, तो जैसे अपन आज यहाँ वर्षगांठ पर मुझे लगता है कि यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को थोड़ा मौका देते जैसे कि हम पढ़ने के लिए आए हैं हमें भी यहाँ मौका, हमको भी थोड़ा वो लगता है रुचि होता है कि काश हम भी करते जी 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 मुझे लगता है। और अभी जैसे कि प्रोग्राम हो रहा है हमारे आदरणीय श्री दुष्यंत हरमुख जी का कि जाने माने आर्टिस्ट है जी जी। उनका भी कार्यक्रम हो रहा है और मुझे लगता है उनके छोटे छोटे बच्चों का भी कार्यक्रम भी हो रहा है, उसी को आज देखने के लिए आया तो देखते हैं आज धूमधाम से होता है कि नहीं होता है। तो भी ऐसे कुछ आपको अपन मीडिया के माध्यम से कुछ संगीत वंगीत जो भी गीत आते होगी कुछ गा सकते हैं क्या? कुछ भी तो आती होगी आपको, आप लोग संगीत विश्वविद्यालय जी आता है ना, ऐसा कुछ सुनाया भैया? हाँ जैसे कि अपन छत्तीसगढ़ के गीत तो आप हम छत्तीसगढ़ के मतलब छत्तीसगढ़ ही वाले वासी रहे, छत्तीसगढ़ ही गोठिया था ना नहीं हाँ, हाँ। तो हम छत्तीसगढ़ ही छोड़ के अब दूसरा क्षेत्र जाता है काबर हमें तो छत्तीसगढ़ कह रहे हो तो छत्तीसगढ़ी कर्मा ददरिया सुअल लोकपति लापन सूर्य हूँ हाँ। तो आज मालवा के गणेश वंदा हाँ, हाँ। जिला आप मतलब बताता हूँ हाँ। जिला वहाँ जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी शुभ कार्य होते ना ओकर ले आ जाते तो वहाँ भी कोई शुभ कार्य के लिए गणेश वंदा से चालू होते, वही गणेश वंदा मैं अभी आप सब लोग सुनाना चाहता हूँ। तुम तो बेगा बेगा आओ गणेश, तम बिना गणिनी सरे, तम तो बेगा बेगा आओ गणेश, तम बिना गणिनी सरे, तम तो कृष्णा जी मनाओ गणेश, बहु रख मा पाओ पड़े। ये रही से गणेश वंदा जी हाँ, शब्द तो अलग है और ज़्यादा शब्द तो महू समझ नहीं आएगा, और महू छत्तीसगढ़ के रवैया हो हाँ। अब अच्छा होती इसकी महू मालवा जाते वहाँ के गोड़ बादला सुनते तो बहुत अच्छा लगती। तो जो खेड़ागा के जो जो अध्यक्ष है हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे, फिर आप अपना नाम बताइए। मैं शैलेंद्र वर्मा नगर पालिका अध्यक्ष खैरागढ़ जी जी। आज का आप कार्यक्रम देख रहे हैं, इतना जोरदार कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? खैरागढ़ जिला का मांग बहुत पुराने समय से चल रहा है, जिसको हमारे मुख्यमंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिला बनाया है। जिला बनाए एक साल पूर्व पूर्ण हो चुका है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ भव्य कार्यक्रम करवा रहे हैं जी जी। और यहाँ पे स्टॉल भी लगा है सभी विभागों का, मत्स्य पालन है, उद्यमिता का है, शिक्षा विभाग का है, स्वास्थ्य विभाग का है जी जी। और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है हाँ हाँ। इससे लोगों में उत्सुकता है जी जी। और यह कार्यक्रम बहुत भव्य से होगा जी जी। अभी जैसे जिला बनने के बाद ऐसे क्या आप लोगों की कमी दूर हुई है, ऐसा कुछ नज़र आता है जो अपन सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सके, ऐसा क्या चेंजेस आया जिला बनने के बाद? जिला बनने के बाद कई छोटे छोटे कामों के लिए हम लोगों को यहां से 40 किलोमीटर राजनांदगांव जिला जाना पड़ता था, वो अब स्थानीय स्तर में ये सब काम का सुविधा मिल रहे हैं जी जी। तो उससे आम जनताओं को बहुत सुविधा मिल रहे हैं जी। आपके अध्यक्ष चुनने के बाद ऐसे क्या योजना लाए जो खैरागढ़ में जो योजना नहीं था, क्या काम किए आप? खैरागढ़ में हम लोग अध्यक्ष बनने के बाद एक आत्मानंद स्कूल है जी जी, है ना, नल जल मिशन है हाँ हाँ। है ना, स्वास्थ्य स्लम स्वास्थ्य मुख्यमंत्री वाला योजना है जी जी, धनवंतरी मेडिकल है हाँ हाँ। ये सब माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से हम लोग लाए हैं जी जी। और रोड नाली तो बनता ही रहता है, और ये खेल मैदान का भी 2,56,00,000 का रिनोवेशन के लिए लाए हैं राशि जी जी।